देखिए कुछ ही दिन पहले की बात है जब प्रभास सर ने अपने बाकी फिल्मों को कुछ भी अपडेट देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि सलार का प्रोमो टीजर भी आने पर रोक लगा दी उन्होंने। लेकिन अब पता नहीं कैसे और क्यों अचानक से प्रभास सर की प्रोजेक्ट के का रिलीज डेट रिवील हो चुका है। हाँ भाई, फिल्म अगले साल 12 जनवरी को ही रिलीज हो रही है पूरी दुनिया में, और साथ में कुछ इस प्रकार का पोस्टर भी आ गया है प्रोजेक्ट के की ओर से। और ये पोस्टर ही बता रहा है फिल्म किस टाइप की बन रही है, जहाँ सबसे पहले हमें नीचे तीन बंदे दिख रहे हैं हाथ में बंदूक पकड़े हुए, और इन्हें जूम करके देखा जाए तो ये कुछ स्पेशल सूट पहने हुए हैं, और हाथ में इनका बंदूक भी नॉर्मल नहीं है, फ्यूचरिस्टिक की लग रहा है। और फिर इनके साइड में नजर डाले तो एक स्पेसशिप दिख रहा है, पता नहीं ये स्पेसशिप है या कोई फ्यूचरिस्टिक कार, और दूसरे साइड में भी एक टूटा हुआ बिल्डिंग या कोई फ्यूचरिस्टिक गाड़ी या स्पेसशिप ही पड़ा हुआ है। और इन सब के बीच एक बड़ा सा हाथ है, पता नहीं किसका है, बट ये काफी भयानक लग रहा है दिखने में। ओवरऑल सीधा भाषा में बोलूं तो ये पोस्टर मुझे कोई इंडियन फिल्म का लग ही नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है हम कोई हॉलीवुड मूवी का सीन देख रहे हैं। भाई ये डायरेक्टर नाग अश्विन इतने साल से थे कहाँ, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है हमारे इंडिया में भी कुछ इस प्रकार का साइंस फिक्शन फिल्म अब बन चुका है। देखिए प्रोजेक्ट के मूवी का शूटिंग प्रभास सर ने कब का कंप्लीट कर दी है, और अब नाग अश्विन जल्दी प्रोजेक्ट के 2 का भी शूटिंग चालू करना चाहते हैं, और हमें प्रोजेक्ट के बाद ही जस्ट 6 महीने के अंदर ही पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो प्रभास सर हमें 11 महीने के अंदर ही 3 बड़ी फिल्में दे देंगे। पहला जून में आदि पुरुष, फिर 3 महीने के गैप के बाद सलार आएगा, फिर 3 महीने के बाद ही प्रोजेक्ट के भी आ जाएगा। यानी कि भैया फिर से प्रभास सर निकल चुके हैं सफर पर सबका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। बाकी आपको कैसे लगे प्रोजेक्ट के का पोस्टर, अपनी राय जरूर देना हमें, और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।